अच्छा, तो सवाल नंबर 3 है, उसमें हमें एफ एक्स गिवन है 2x/1 + x2, और इसमें हमें मालूम करना है कि एफ ऑफ टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके सोल्यूशन के लिए ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, हम इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और सोल्यूशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक्स है, हमें बेसिकली टेंजेंट ए चाहिए, तो ये लाने के लिए हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स विद टेंजेंट ए इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास, इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम टेंजेंट ए रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो 1 + टेंजेंट ए है स्केयर ए, ये बेसिकली ये सीकेंट स्केयर ए के इक्वल होता है, तो डिनोमिनेटर में तो सीकेंट स्केयर ए आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू को भी आप टेंजेंट ए ही रहने दें। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमरेटर, उसको हम साइन ए ओवर कोज ए में चेंज कर देते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको 1/cos² ए में चेंज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करेंगे, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये टेंजेंट वाली जो वैल्यू, इसको हमने साइन कोस में चेंज किया था, ये एज इट इज़ रहेगी, ये वाली वैल्यू ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस के ऊपर और 1 नीचे। इसमें क्या होगा, ये इसके स्केयर से कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 sin A × cos A, और ये आपके पास sin 2A के बराबर होता है। यही इसका आंसर है। नई वीडियो शुरू करो, मैंने कैंसिल करो। हाँ।